दो पैर है और दो पैर ये, इसीलिए इसको हमारे गांव की लैंग्वेज में घोड़ी बोलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजू बापा पाटीदार व्लॉग्स में। आज का व्लॉग कुछ अलग होने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये वही जगह है जहां पर हमने गणपति जी बिठाए थे और यहां हम क्या करने वाले हैं आज, तो दिखाते हैं हम आपको कि आज हम यहां क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है क्योंकि आज हमारे यहाँ जो काम करने वाले लड़के वो खेत पे चले गए और ये काम मुझे ही करना पड़ेगा, तो बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर हमने गणपति जी का डेकोरेशन किया था और गणपति जी को बिठाया था। तो आज का काम है, आपने बोरवेल का नाम तो सुना ही होगा। बोरवेल के अंदर हम मोटर डालते हैं और उसके थ्रू हमें पानी मिलता है। तो बोरवेल के अंदर मोटर डालने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। इसको हमारे गाँव के लैंग्वेज में घोड़ी भी बोलते हैं। घोड़ी वो चलाने वाली नहीं, ये घोड़ी अलग है। तो इसी के सहारे हम मोटर को उतारते हैं। तो ये पूरी सड़ चुकी है ऊपर से, अंदर से अच्छी है वैसे, ऊपर इसमें जंग आ गया है। तो इसको हम साफ़ करेंगे अभी और उसके बाद इसको कलर करेंगे। के दो पाइप ये है, एक पाइप ये और एक ये दोनों यहाँ लगते हैं इस जगह पर और ये फिर इसे खड़ी हो जाती है और उसके बीच यहाँ से तार का यूज़ किया जाता है। उसके सहारे होल के अंदर, बोरवेल के अंदर हम मोटर को उतारते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल इस जंग को साफ़ करने के लिए हम सेंडिंग रोल का यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम इस पर घिसेंगे, देख सकते हैं। तो इस तरह घिसने से ये सारा निकल जाता है, इसका जो भी जंग है सारी निकल जाएगी और उसके बाद इसमें कलर होगा। तो इसको ये सेंडिंग रोल, जिसे रेजमाल भी कहा जाता है, बहुत ही हार्ड होता है, इससे हम पूरी इसकी जंग निकालेंगे। ये दो पाइप भी है, ये भी बहुत सारे सड़ चुके हैं, अब देख सकते हैं इस तरह से पूरा निकल जाएगा। ये लगभग ये काम में हमको 2 से 2.5 घंटे या ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट, तो स्टार्ट करते हैं हम इस काम को। तो दोस्तों, फाइनली इसको हमने पूरा घिस कर इसकी जितनी भी कीट थी, जो भी जंग थी, हमने साफ़ कर दी है। अब इसको थोड़ा सा ऑयल वाला पोछा वगैरह हम लगा के इसको और साफ़ कर देंगे और उसके बाद हम कलर करेंगे। तो मिलते हैं हम कलर के टाइम। इसको घिसने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लग गए हैं। अब इसको साफ़ करके कलर करेंगे, तो कलर वाला भी वीडियो में बनाऊंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कलर करेंगे उसके बाद आपको बताएंगे। तो अभी जा रहे हैं हम वापस, अभी कल इसका कलर लाएंगे, उसके बाद इसमें कलर लगाएंगे। तो चलते हैं, फिलहाल गेट बंद करके ताला लगा देंगे। आज भी पूरे गंदे हो गए। आज का व्लॉग स्टार्ट। इस घोड़ी को हमें कलर करना है, इसे घोड़ी बोलते, पता नहीं आप क्या बोलते होंगे। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये ब्रश,
ये कलर मैंने ये डब्बे में से डाल लिया, पूरा डब्बा भरा था। एक डब्बा और पड़ा है मेरे पास, देखते हैं दो डब्बे में हो सकता है, वैसे तो हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक घंटा हो गया है और ये इतना हुआ है। यहाँ पर ये गेयर वगैरह है, इसकी वजह से मैंने इन पे कलर नहीं किया, क्योंकि यहाँ वैसे भी ऑयल और ग्रीस लगाया जाएगा, तो मतलब नहीं कलर बिगाड़ने से। तो जहाँ भी ये खास खास जगह पूरी तरह मैंने कर दिया है, बाकी का ये इतना बचा है। ये पूरी बची है और दो, ये दो इसके पैर, अच्छा दो पैर है और दो पैर ये, इसीलिए इसको हमारे गांव की लैंग्वेज में घोड़ी बोलते हैं। बाकी आप कमेंट में बताना कि इसको और क्या बोलते हैं। बचपन से तो मैं इसे घोड़ी के नाम से ही जानता हूँ, पर आप जानते हैं इसका और कोई नाम तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो बाकी का कलर करता हूँ मैं। दोस्तों फाइनली मेरा एक भाग जो कंप्लीट हो चुका है, देख सकते पूरा मैंने कर दिया इसको कंप्लीट। अब इसके दो पांव दो पैर ये, तो ये बाकी है। तो अभी फ़िलहाल दोपहर की दो ढाई बज गए, मैं चाय पीने जा रहा हूँ, उसके बाद इसको करूँगा। तो फाइनली चाय नाश्ता कर लिया मैंने। अब ये दो चीज़ बची है, ये दो खम्भे बचे हैं पूरे, तो इसको कलर करना बाकी है मेरा। वैसे भाई मैं एक प्रोफेशनल पेंटर हूँ, अगर आपको करवाना है तो चार्ज ज़्यादा होगा लगभग। वैसे आप कितना देना चाहते हो? 150 रुपया देगा। तो ठीक है दोस्तों, बाकी का काम करते हैं पूरा। चलिए हो गया हमारा, अब बची एक राड, इसको भी करते हैं कंप्लीट। फाइनली कलर हो गया हमारा, बचा हुआ कलर में डिब्बे में डाल देता हूँ। इसे एक डब्बे में ही मेरा काम हो गया सारा, क्योंकि ये वापस बचा हुआ मैंने इसमें डाला, थोड़ा सा खाली है, इसे वापस भरा गया है।
पूरे हाथ गंदे हो गए, देख सकते पूरे यहाँ तक हो गए, मेरे मुंह के ऊपर भी छींटे लग गए। तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए पूरी कंप्लीट कर दी, पहले कैसी थी और अब बिल्कुल चकाचक कर दिया मैंने इसको। बस ये गियर वगैरह छोड़ना पड़ा क्योंकि इसमें ग्रीस ऑयल करना पड़ेगा तो इसको कलर नहीं कर सकते। 11:30 से 12 बजे के आसपास में इस काम को स्टार्ट किया था, लगभग 3 बज गए हैं, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों फाइनली काम कंप्लीट हो गया है। ये आज का हमारा छोटा सा व्लॉग था, आपको कैसा लगा घोड़ी कलर करने का? वैसे घोड़ी पता नहीं क्या बोलते, हम तो इसको घोड़ी बोलते। आपको अगर और कुछ याद है इसका नाम तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि और कुछ बोलते इसे, दूसरा क्या नाम आप बोल सकते इसे। तो ये अभी अलग अलग इसके पार्ट्स हैं, इसको जैसे ही जोड़ेंगे ये तो एक पूरी खड़ी हो जाएगी है और इसके 4 पैर हो जाएंगे, इसलिए गांव में हम इसे घोड़ी कहते हैं। तो आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।